मतलब थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात है ये, पर ये सच्ची है कि मैं शब्दों में कुछ चीज़ें बोल नहीं सकती, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो शब्दों में मैं और तू नहीं बोल सकते एक दूसरे को, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पर जब व्हेन आवर बॉडी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, वो एक अलग लेवल पर जाके बात करती हैं। वो शब्द और वो जो दुनिया में जो कंस्ट्रक्ट बना हुआ है ना, ये लव टू दिस टू हेट टू दिस, वो उसके ऊपर है। वो शरीर बात करते हैं जब वो मूव करने लग जाते हैं, वो उसकी लैंग्वेज हमें नहीं पता। इट्स वेरी अनएक्सप्लोर्ड एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो वो उसकी जो खुशी होती है जब तुम स्पेस में चले जाते हो, तुम गाने बॉडी सब कुछ एक साथ मिल जाता है, वो जो कम्युनिकेशन है वो मेरे लिए डांस है। Strong to pick yourself up, you need to get up. For that you need muscles, as simple as that. You need to be strong, you need to perform some activities, you need to, in a lift you need to push yourself, you need to control your landings. Uske liye sharir mein bhagwan ne muscles humko diye hain, par agar wo ladki mein muscles dikh gayi to bhaiya ye ladki kitni gandi lag rahi hai, ye to ladke ki tarah lag rahi hai, chhi doesn't look nice, मत बना, abs बना रही है, no, just keep it flat, इसमें muscles ही नहीं, बहुत गंदी लगेगी, तो आदमी ऐसी लगेगी। मतलब ये मैं इतने सालों से सुनती हुई आ रही हूँ, और वो भी बहुत बड़े बड़े लोगों से। मतलब इतने अच्छे अच्छे फोटोशूट कर लो और उसमें लाइट में अगर कटिंग में कहीं पे तुम्हारी मसल्स दिख जाए, why do you have muscles? अरे भैया तुम डांसर हो, किसकी मसल होगी, सिंगर की। आई थिंक लोगों का ना काम है कि तुम अगर कुछ अलग करना चाहते हो ना, अगर तुम किसी अलग लाइन में खड़े हो तो तुमको सब ऐसे देखेंगे, तुम्हारे लिए लाइफ मुश्किल बनाएंगे। अगर तुम उनकी लाइन के पीछे खड़े हो तो तुम सही कर रहे हो, तुम समझदारी का काम कर रहे हो, तुम्हारे पीछे खड़े हो, सही है, यही तरीका है। पर तुम अलग क्यों खड़े हो उधर, ये क्या करेगी, इसका क्या होगा, ये कुछ गलत कर रही है, ये आपका नाम नाक कटाएगी, है ये नाच गाने करके क्या होगा, स्टेज पे खड़ी होगी, लड़के देखेंगे छोटी छोटी स्कर्ट पहन के, छी 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 पता नहीं क्या होगा, इंडस्ट्री में कौन शादी करेगा इनसे, ये तो ऐसे ऐसे खड़ी रहती हैं, इनके क्या क्या सीन आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं। मतलब जवाब ही दे देता कि ये चल नहीं पाएगी, सॉरी आपकी एक बेटी कभी नहीं चल पाएगी लाइफ में। तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था हमारी लाइफ में। और कहाँ हुआ था, अग्रवाल स्वीट्स के बाहर। कैसे अग्रवाल स्वीट्स तो थी वो श्रीनगर में अभिनंदन के सामने वाली लिटिल फेरी पब्लिक स्कूल। हाँ लिटिल फेरी पब्लिक स्कूल अंदर था, कुलाची मेन रोड पे हुआ। हाँ मेन रोड पे हुआ था अभिनंदन। बाइक में घुस गया था, बाइक की जो टायर की तीलियों में। बिल्कुल भी स्टोरी टेलिंग नहीं आती आपको। तू कहाँ से अग्रवाल सामने, अग्रवाल सामने जो मिठाई की दुकान थी, अग्रवाल है कि कौन सी है पता नहीं, मिठाई की दुकान थी, वहां से किसी ने जोर से आवाज करी चुआ चुआ चुआ, मैं
टीनू दीदी, चीकू दीदी, हम साथ में थे, टीनू दीदी हमसे बड़ी हैं, चीकू दीदी हैं और हम, मैं तो खड़ी हूँ, मेरे को पता भी नहीं है, याद भी नहीं है ये सब चीज़ें, बस चीकू दीदी को चूहे की आवाज़ सुन के भागी, एक बाइक वाला आया, उनका पैर बड़े जो ऐसे वाली नहीं होती है बुलेट, उसमें पूरा घुस गया था, पूरी हड्डी टूट गई थी। फिर कितने महीने थी आप हॉस्पिटल? मैं 6-7 महीना तो बैठ ही नहीं पा रही थी ऐसे सीधी, मैं ऐसी लेटी रहती थी पूरे टाइम हॉरिजॉन्टल। और कितने साल की थी? 4 साल की। शिट, मतलब। और फिर उसके बाद स्कूल नहीं गई थी ना, LKG की UKG? पता नहीं है, सब तो याद ही नहीं है, पर ऐसे बैठ ही नहीं पाती थी, मैंने ऐसी लेटी रहती थी पूरे टाइम। ये जो स्कूल में स्टार्टिंग में सिखाते हैं ना डेक्सटेरिटी और मोटर डेवलपमेंट के टाइम की, आप पेन ऐसे पकड़ते हो, ABCD ऐसे लिखते हैं, बोलते ऐसे हैं, वो सारी चीज़ें भूल गई थी। लेटे लेटे और ये सब इंजरी में उनके सब वो लर्निंग चली गई थी, तो डॉक्टर्स ने ये कह दिया था। उसके बाद जब धीरे धीरे गई भी ना स्कूल, तो फिर उन्होंने बोला शायद आपको रिपीट करनी पड़ेगी सारी क्लासेस। करती तो अच्छा होता, हम सेम क्लास में होते, हम एक दूसरे के एग्जाम दे देते। और रोनी होता है कि तूने मेरा पैर तोड़ने की कोशिश करी थी? कभी नहीं यार, ये ना जो चीज़ें मुझे याद नहीं है, जानबूझ के ऐसी चीज़ें बोलती हैं। पैर में पूरा प्लास्टर लगा हुआ है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक प्लास्टर था, ऐसे टंगा हुआ है, तब कुछ टंगा नहीं था, प्लास्टर था ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे पैर पर। तो ये देखती थी रोज ना, लोग टॉफी लेके आ रहे हैं, चॉकलेट लेके आ रहे हैं, रोज पूछ रहे हैं कैसी है चीकू, कैसी है चीकू। तो इसको, ये 2 साल की है ना उस टाइम पे, इसको लग रहा है कि चीकू दीदी को इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है, इनका पैर टूट गया, मैं इनके जो पैर में प्लास्टर बंधा है ना उसी को तोड़ देती हूँ जिससे इनको इम्पोर्टेंस ना मिले। कोई भी मम्मी पापा सब लोग डाइनिंग रूम में, ये चढ़ के ना जोरदार से मेरे प्लास्टर पे ऐसे कूदने लग गए, और मैं भी नौटंकी, मैं मम्मी मम्मी मुझे दर्द हो रही है, प्लास्टर के ऊपर कूद रही हूँ। ऐसी बंदी को सेक्रेट गेम्स नहीं देखना, और अपने दिमाग में खून खराब है कि ऐसी स्टोरी बनाई हुई है। वाह वाह बेटा, सच बताना तू चढ़ी नहीं थी मेरे पास? बिल्कुल नहीं यार, मैं क्यों चढ़ूंगी, मुझे लेकिन बहुत बुरा लग रहा था, इनको इतनी अटेंशन मिल रही, सब आके टॉफी चॉकलेट रोज मिलती थी, मुझे लग रहा था तो बेस्ट टाइम है, स्कूल भी जाना पड़ रहा, वाओ। पर तूने अच्छा नहीं किया था बोलू, तेरे आंखों में ना 2 साल के बच्चे की आंख में इवन दिख गया था जो आज भी दिख रहा, देख पीछे। बैले की ट्रेनिंग ले जाती थी घर से 30 किलोमीटर दूर ट्रेन लेके, और वो था जब मैंने DID किया, और मैं अपने दोस्त के साथ जाती थी, DID ख़त्म हो गया, मेरे को मिस किया मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग, कि अब मैं कहाँ करूँ क्लास, कहाँ करूँ, कैसे करूँ, शो ख़त्म हो गया। उसके दूसरे दिन ही मैंने अपने दोस्त को जो कि डांसर है उसको मैंने बोला चल ट्रेनिंग करें, वो भी DID में था, उसने बोला अब करके क्या फ़ायदा है। मेरे को समझ नहीं आया इसका मतलब क्या है, अब करके फ़ायदा क्या, मतलब क्या फ़ायदा क्या था ये भी करके। तो वो चीज़ें मुझे ऐसी लगती कि तुम क्या सोच क्या रहे हो, फ़ायदा क्या है, क्या फ़ायदा है, पैसा, नाम बन गया, हो गया, खुश हो, चलो जाओ, तो डांस क्यों कर रहे थे तुम? तो पता नहीं, मैं वो चीज़ मुझे समझ ही नहीं आती कि वो कैसे, वो थॉट प्रोसेस कैसा है। तो मैं वापस अकेले जाने लग गई क्लास के लिए, छोटे छोटे बच्चों, मतलब अडल्ट्स की क्लास वो थी नहीं, छोटे बच्चों के साथ करती थी, उनको देखती थी, उनकी बॉडी फट से कर लेती है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी कर रही हूँ ना।
डिफरेंट ऑर्गन्स इन देयर बॉडी. वी हैव एग्जैक्टली द सेम ब्रेन, सेम हार्ट. तो घूरने को हम कुछ नहीं कर सकते. चाहे मैं पूरी कवर्ड होके भी आ जाऊँ तभी भी घूरेंगे, चाहे मैं चड्डी पहन के आ जाऊँ तभी भी घूरेंगे. तो हमेशा ऐसा फील कराना ना कि लाइक लड़की आ गई है, वो लड़की यहाँ क्या कर रही है, लड़की इतने पास से आ गई, तुमने हमें बचपन से डरा रखा है, हम नहीं डर रहे, भाड़ में जाओ भुंड मराओ. बचपन में मैं हॉस्टल में भेजा था मम्मी पापा ने, मैं खुद ही गई थी एक्चुअली लड़ लड़ के, मुझे हॉस्टल में जाना है. तो वहाँ पे बच्चों के बाल छोटे रखते थे क्योंकि जूं आ जाती थी. तो पता नहीं मुझे छोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लड़कियों लड़के ऐसे पे नहीं, मुझ पे. मैंने फिर वापस बहुत सालों के बाद थोड़े कॉलेज में आके ऐसा कुछ करेज लिया कि मैं छोटे कराती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे नहीं लगे मेरी शक्ल ही. मुझे लगता था कि दिस इज़ नॉट मी. जब अपने आप को मिरर में देख रही हूँ मैं किसी और को देख रही हूँ. And when I cut my hair, I feel this is who I am. I feel Shakti. This is Shakti. जब से मैंने training start करी थी और जब मुझे पता चला कि बाहर, मतलब बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा importance मिलती है training को. मतलब ऐसा है कि वहाँ पर कोई भी dancer ऐसा नहीं होगा जो studio में नहीं आएगा. वो रोज़ सुबह same exercise every day करेंगे क्योंकि उनको अपने शरीर को flexible रखना है, ready रखना है to perform. तो ये जो थॉट प्रोसेस था ये देख के मुझे था कि भाई मुझे बाहर जाके सीखना है यार. और बहुत सालों से मैं सोच रही मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, बहुत अप्लाई करने की कोशिश करी. फिर जब जाके कुछ काम मिलने लग गया, पैसे जोड़े, जब बाहर जाने लग गई, तब मैंने एक कोरियोग्राफर को बड़े प्राउडली बोला कि सर मैं बाहर US जा रही हूँ डांस सीखने के लिए 3-4 महीने के लिए. तो वो अपने दोस्त के साथ बैठे थे, कुछ खा रहे थे वैनिटी वैन में, और मैं बहुत ज़्यादा से नर्वस खड़ी थी कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर कोरियोग्राफर के सामने खड़ी हूँ और हम आइटम नंबर शूट कर रहे हैं. फिर वो कह रहे हैं कि अच्छा यू आर गोइंग टू ट्रेन योरसेल्फ टू बिकम एन आइटम नंबर, एंड देन दे स्टार्टेड लाफिंग. तो मैं कुछ बोल नहीं पाई हूँ और मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अपने आप पर डाउट नहीं हुआ कि अरे मैं ये क्यों कर रही हूँ. मुझे सिर्फ ये लगा कि आई फील सो सॉरी फॉर यू दैट यू कैन ओनली थिंक दिस मच एंड यू कैन नेवर टेक दिस आर्ट फॉर्म एनी वेयर बियॉन्ड आइटम डांसिंग फॉर यू. So I just felt sorry for his thoughts कि ये उनकी सोच है जहाँ तुमको इस जनरेशन को मोटिवेट करना चाहिए कि yes go learn, you should train, you should take dancing to a global level, represent India, become bigger. नहीं, उन्होंने बोल दिया आइटम नंबर बनने के लिए तुम सीखने जा रही हो. तो मुझे बहुत बुरा लगा, समझ लगा भाई जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट थी वो कहीं और चली गई अभी. थैंक यू, बाय बाय. Thank you.
जबरदस्ती तुम्हें पैडेड ब्रास पहननी पड़ेंगी बिकॉज योर शेप इज नॉट गुड इनफ. एज अ गर्ल आई नीड टू हैव दैट सर्टेन शेप. यू शुड हैव अ बिग एस फॉर यू टू बी अपीलिंग. व्हाई एम आई नॉट अपीलिंग द वे आई एम? एंड आई डोंट हैव टू बी अपीलिंग टू एवरीबडी. आई कैन बी अपीलिंग टू जस्ट वन पर्सन और मे बी नॉट.